टॉक्स पंजाब के शो गोल्डन टॉक्स में शिप्रा में सारे पंजाबीज का वार्म वेलकम। रेट्रो थीम एक ऐसी थीम होती है जिसमें हिप्पी लुक होती है, बड़े बड़े हेयर बैंड्स होते हैं, सन ग्लासेस होते हैं जो राउंड शेप के होते हैं, और हेयर बैंड्स, बड़े बड़े इयर रिंग्स, बोल्ड शेड्स के लिप्स शेड्स। तो चलिए आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इन गॉर्जियस डिवा से, जो हमें रूबरू करवाएंगी 1980s के हीरोइन से। जिस टाइम श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित का ट्रेंड चल रहा था, उन्होंने बहुत ही सुपर डुपर हिट मूवीज दिखती, और आप मुझे भी देख रहे हैं कि मैं भी एक रेट्रो लुक में हूँ। तो आप सबको बहुत ही मज़ा आने वाला है इन गॉर्जियस दिवस से, जो हमें फिर से रूबरू करवाएंगी श्रीदेवी माधुरी दीक्षित जैसी सुपर टैलेंटेड हीरोइन से। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मिलवाते हैं। और जी हाँ, आज हम इनको ऐसे नहीं छोड़ने वाले, इनसे कुछ तो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिससे हमें भी पता चले कि 1980s के हीरोइंस को ये कितना जानते हैं, उनके बारे में इनको कितनी नॉलेज है। हेलो मैम, वेलकम टू टाइम्स पंजाबी। हेलो, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, बहुत स्वीट लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आपने ये टैग लगाया हुआ डिंपल कपाड़िया का, क्या आप फैन है उसके? बहुत बड़े, बिल्कुल बिल्कुल। क्या जानते हैं उनके बारे में? एवरग्रीन ब्यूटी और कुछ लवली हेयर, लवली, बहुत अच्छे। तो चलिए मैम, डिंपल कपाड़िया से रिलेटेड हम आपको पूछते हैं कि उनकी फर्स्ट मूवी कौन सी थी? हाँ जी, बॉबी। बॉबी कैसी लगी वो मूवी? बहुत अच्छी। आपको ये पता है जब उनकी फर्स्ट मूवी आई थी वो कितने इयर्स के थे? 16. यस यू आर राइट। हेलो जूही चावला, आप थोड़ी आगे आएंगे। चलिए अब आप हमें ये बताइए, आपने जूही चावला का टैग तो लगाया है, आपको क्या लगता है आप उसके जैसे रिजेंबल करते हैं? लग रही हूँ मैं, बिल्कुल जूही। लग रहे हो? हाँ बिल्कुल। कितनी मूवीज देखी है अभी तक जूही चावला की? उसकी मैंने मोस्टली मैं सारी देखती हूँ, तो मेरी फेवरेट है क़यामत से क़यामत तक, आईना, डर, बोल राधा बोल, ऐसी। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओ माई गॉड, प्लीज़ इनको देखिए आप, प्लीज़ मैम आगे आइए। इसे कहते हैं एग्जैक्ट रेट्रो लुक जो 1980s की हीरोइंस करके आती थी। तो मैम, व्हाट इज योर नेम? पूनम। पूनम, एंड आपने टैग भी लगाया पूनम ढिल्लो, ग्रेट। क्या आप उसको उनको लाइक करते हैं? हाँ जी। कितना लाइक करते हैं? बहुत ज़्यादा। कितनी मूवीज देखी हैं उनकी? काफ़ी देखी हैं, मुझे उनकी हाइट बहुत अच्छी लगती है, उनकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है, उनके हेयर बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपने किन को कॉपी करने की आज यहाँ पे एक कह सकते हैं कि कोशिश की है? आई थिंक ये टू प्लेट्स तो नीतू सिंह करती थी, और कौन करती थी एक और बॉबी मूवी की एक्ट्रेस जो है डिंपल कपाड़िया, उनको। अच्छा, तो चलिए हम आपसे पूछते हैं, आपने बताया पूनम ढिल्लो की फ़ैन है, तो उनकी फर्स्ट मूवी कौन सी थी आपको पता? नूरी। स्पीक लाउडली। नूरी। नूरी कितनी बार देखी मूवी आपने? वन टाइम। हेलो, गुड। वाओ, हेलो मैम, हाउ आर यू? फाइन। व्हाट्स योर गुड नेम? या आई एम सोनिया चंदो। सोनिया चंदो, एंड आपके टैग पे हमें दिख रहा है पद्मिनी कोल्हापुरी, ग्रेट। पद्मिनी कोल्हापुरी के बारे में क्या जानते हैं आप? या शी इज़ वेरी प्रीटी, एंड उनकी जितनी भी मूवीज आई उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है। और क्या बताना चाहेंगे आप व्यूवर्स को कि आप जैसे 1980s का ट्रेंड आज यहाँ किट्टी में फॉलो कर रही हैं, तो पद्मिनी कोल्हापुरी का स्पेशली टैग आपने क्यों लगाया? क्योंकि मुझे उनकी मूवीज़, उनके सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं। और कुछ बताना चाहेंगे उनके बारे में? और उनकी काफ़ी मूवीज़ ऐसी थी जो कि बहुत अच्छे, मतलब कुछ ना कुछ हमें अच्छा वो देते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जैसे उनकी, हाँ, क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे, पद्मिनी कोल्हापुरी का एक बहुत फेमस सॉन्ग आया था जो आज भी मोस्टली हर शादियों पे होता है, और जिसमें जिस ब्राइड की शादी होती है वो तो इस गाने पे डांस जरूर करती है। कौन सा गाना है वो? एक्चुअली उस गाने पे मैंने भी अपनी शादी में डांस किया था। ये गलियां ये चौबारा, गा के सुनाना पड़ेगा। ओके ओके, ये गलियां ये चौबारा यहाँ ना आना दोबारा, ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भई परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। ब्यूटीफुल मैम, जैसे आपका फेस है आप ब्यूटीफुल वॉइस से भी ब्लेस्ड हैं। थैंक यू सो मच। हाय नीलम, नीलम, नीलम को होपफुली आप सब जानते ही होंगे। नीलम, नीलम मूवीज कौन कौन सी देखी हैं आपने? मैंने उनकी ऑलमोस्ट सभी मूवीज देखती हूँ, मैं उनकी बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत बड़े फैन? या तो चलिए कोई मूवी से बताइए उनकी कौन कौन सी। एक मूवी का नाम बता दीजिए, आप उनकी बहुत बड़ी फैन हैं।
चलिए कोई बात नहीं, हम आपको ज्यादा डराना नहीं चाहते क्योंकि कैमरे के सामने हम जानते हैं कि इट्स ओके मैम. चलिए अब ये बताइए, आपको पता है नीलम एक्ट्रेस होने के बाद अब वो ऐसा क्या किस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं जिसमें वो आज अपना नाम बहुत ऊंचा कर रही हैं? यस आई नो, वो ज्वेलरी डिजाइनर हैं और बहुत बेस्ट कर रही हैं, हाई लेवल पे काम कर रहे हैं. थैंक यू सो मच मैम. मूवी का नाम तो आप भूल गए स्क्रीन पे, बट आपको ये पता है कि वो किस प्रोफेशन के साथ जुड़ी हुई हैं? तो आप कौन आगे आना चाहेगा? श्री देवी जी. देखिए ये हमारी 1980s की सुपर डुपर हिट हीरोइन आज हमारे साथ खड़ी हैं. श्री देवी जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि श्री देवी आज चाहे हमारे बीच में नहीं है लेकिन सब उनको याद करते हैं और वो एक आप कितना याद करते हैं? बहुत ज़्यादा. वो एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिनके बिना कोई भी मूवी मतलब अधूरी होती थी और इस टाइम भी किस कोई भी शादी होती है तो उसमें उनके अगर सॉन्ग्स नहीं प्ले होते तो वो शादी अधूरी रह जाती है. अच्छा तो आप श्री देवी का क्या करना करके दिखाएंगे हमें? कोई डांस, कोई एक्टिंग, क्या करना चाहेंगे? जो भी आप बोलोगे. जो भी हम बोलेंगे. इट्स योर विश मैम, कुछ भी करके दिखाइए. चलिए एनीथिंग, मिमिक्री उनकी, डांस, डायलॉग डिलीवरी, एनीथिंग. इट्स योर विश. चलो मैं मिमिक्री कर देती हूँ. चलो मिमिक्री. उई 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 उई। मैं ख्वाबों की शहजादी. मैं चलो ट्राई कीजिए, हम वेट कर रहे हैं. मैं हूँ हर दिल पे छाई. मैं हूँ हर दिल पे छाई. बादल है मेरा बिजली मेरी अंगड़ाई. बिजली की राने मैं हूँ आई. बिजली गिराने मैं हूँ आई. कहते हैं मुझको हवा हवाई. हवा हवाई, हवा हवाई. थैंक यू सो मच मैम. तो आपने देखा ये थे हमारे साथ 1980s की कुछ ब्यूटीफुल गॉर्जियस डिवास जिन्होंने हमें फिर से रूबरू करवाया जो सुपर डुपर हीरोइंस उस टाइम की थी उनसे फिर से हमें एक मेमोरीज उन्होंने ताज़ा करवाई. श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित एंड पूनम ढिल्लो, किमी काटकर एंड मैनी मोर. तो होपफुली आप सबको इस रेट्रो थीम की गिट्टी में बहुत मज़ा आया होगा और हमने भी एंजॉय किए इन गॉर्जियस डिवास के साथ बहुत ही प्यारे प्यारे मोमेंट्स. थैंक यू सो मच कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बस रीजा टाइम्स पंजाब टीवी.